बच्चों की फिल्म नहीं है, ये बच्चों के साथ बनाई हुई यूनिवर्सल फिल्म है। ये जितनी बच्चों की है उतनी साकिब की है, उतनी प्रज्ञा की है, उतनी नेहा जोशी की है, उतनी मकरंद देशपांडे की है, और जितने सारे हैं मेरे ख्याल से जब खुलेगी तब पता चलेगा। और ये ऐसा पिटा रहा है, वो इतना इमोशन है कि उधर 50 आदमी ऊपर बैठने पड़े थे बंद करने के लिए। तो 9 मई को जो खुलने वाला है ना, तो आप देखेंगे कि बच्चों में मत काटो हमको, हम बच्चों में मत काटो, हम लोग बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, और अक्का भारत देखेगा ये हमारा जुगाड़ क्या है, फाड़ डालेंगे। साकिब, आपने कहा था अमोल गुप्ता, अमोल सर की फिल्म देख के स्टैनली का डब्बा आपका मन हुआ था इनके साथ काम करने का, था कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी हाँ, मैंने कहा था कि जब मैं स्टैनली का डब्बा देख के आया था तो मुझे लगा था कि इतनी प्यारी फिल्म है कि मुझे अपनी लाइफ में इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ अमोल सर, वेदर एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर और एन एक्टर। और जितना ही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं सर के साथ काम करूँगा, उससे कहीं ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई है। एंड मोर देन एनी थिंग आई हैव फाउंड अ मेंटोर इन हिम, आई सीक एडवाइस फ्रॉम हिम। कि जब मैं एज एन एक्टर सेट पर आया था तो मुझे लगा था कि अमोल सर विल बी अ टफ टास्क मास्टर और बहुत मेहनत कराएंगे, बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी, बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स डायरेक्टर्स वी हैव। एंड ही इज़ सो सुलझा हुआ कि वो एक एक्टर की स्पेस होती है, जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको पूरी स्पेस भी देते हैं और आपसे परफॉर्मेंस भी निकलवा लेते हैं। एंड व्हेन यू लुक बैक, गो बैक होम एंड लुक बैक एट व्हाट यू डिड द होल डे, लाइक हाँ यार वो जो सीन था वो तो करा ही दिया उन्होंने, एंड आई वाज फ्रेटिंग ओवर दैट सीन फॉर 2 डेज। इट तो आई हैव हैड अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद अमोल सर, दीपा मैम, द होल फॉक्स टीम, माय लिटिल चैंप हियर, ऑल द अदर किड्स। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, आई हैव लर्नड अ लॉट। आई होप व्हेन पीपल सी दिस फिल्म वो कहेंगे कि पिछली फिल्म से थोड़ी तो बेटर एक्टिंग की है। ये जो गाना है ये काफ़ी स्पेशल है आपके लिए, आप ये जानना चाहेंगे क्या स्पेशल है इस गाने में? सब कुछ स्पेशल है, स्पेशली जो फिल्म है उसकी जो कहानी है और जिस तरह से ये गाना शूट किया गया है, उस वक्त क्या हो रहा होगा वो जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना इंटरेस्टिंग है। और गाना इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुली कंपोज बाय हितेश एंड आई लव द लिरिक्स, बहुत कैची हैं और एट द सेम टाइम बहुत गहरी बात भी कह जाते हैं। अपनों ने थोड़ी सी अपनों को थोड़ी सी वफा क्या दी वो जुड़ गए, वो लाइन मेरी फेवरेट है इस गाने से और आई जस्ट हैड द बेस्ट टाइम सिंगिंग इट। बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा ही नहीं कि ज़्यादा शूटिंग हो रही हो, बस एक छोटा सा DSLR था और हम लोग बस मज़े करते जा रहे थे, 5 पांडव मज़े कर रहे थे बस, ज़्यादा काम वाम नहीं किया। और खाना ऑफ कोर्स